हाँ, तो सबसे पहला प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं कि रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको रिडायरेक्ट कैसे कराएंगे, जैसे सपोज करो कि तुमने डिलीट मारा, पेज रिडायरेक्ट नहीं हुआ, तुमने इंसर्ट किया, रिडायरेक्ट नहीं हुआ, उसके लिए क्या करेंगे। तो जहाँ पे तुम्हारा इंसर्ट का काम हुआ हुआ है, सपोज दैट ये फॉर्म है, ठीक है, और तुमने इस फॉर्म को यहाँ पे इंसर्ट वाला पेज में यहाँ लगा रखा है, इंसर्ट का पेज में यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर तुमने यहाँ पर एक्शन, सर्वर एक्शन लगाया, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ठीक है। तो ये सर्वर एक्शन कहाँ पे बना हुआ है, एक्शंस डॉट जे एस फाइल बना हुआ है। यहाँ पे आने के बाद तुम उसको रिडायरेक्ट कैसे लगा सकते हो वो दिखा देते हैं, ये हटा देते हैं, तो समझो। सबसे पहले रिडायरेक्ट कराने के लिए तुमको इम्पोर्ट करना होगा ऊपर में, इम्पोर्ट रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट फ्रॉम और नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन, ठीक है, और ये यहाँ पर रिडायरेक्ट फंक्शन चला गया। अब जब इंसर्ट हो जाएगा तो सिर्फ रिडायरेक्ट फंक्शन लगाना है और पाथ बता देना है कहाँ रिडायरेक्ट करना, ठीक है। ऐसे सेम जब तुम इंसर्ट कराओगे, डिलीट कराओगे, तब भी चाहिए होगा, तो डिलीट करने के टाइम भी ये रिडायरेक्ट फंक्शन लगा दिया, ये दोनों जगह पे हम लोगों का रिडायरेक्ट फंक्शन लगा हुआ है। इसके बाद हम npm रन देव, इसके बाद रिडायरेक्ट करेंगे इसको, तो अब हम लोग का पेज रिडायरेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है रिडायरेक्ट। देखो ध्यान से देखो, ये इंसर्ट हम करा रहे हैं, हम लोग इंसर्ट कराने के इंसर्ट का पेज खोलते हैं, यहाँ जब इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिक होम पेज पे रिडायरेक्ट हो, जैसे टेस्टिंग करते हैं, देखो टेस्टिंग कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डालते हैं कुछ, और ये सिटी डालते हैं पटना, और ये देखो पेज रिडायरेक्ट हो गया। बट ये डेटा, ये कैश की वजह से यहाँ पर हमको अपडेट नहीं मिल रहा, तो हम ये रिफ्रेश करेंगे तो शायद आ जाएगा, देखो आ गया। तो कैश की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका पेज चेंज हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट से हम लोग होम पेज पे आ रहे हैं, देखो फिर से दोबारा दिखा देते हैं, तो पेज चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रिडायरेक्ट का काम हो गया है। अब इसको क्या करना है कि हमको एक बार रिफ्रेश करा लेना है डेटा को भी, जिससे एक्चुअली डेटा दिखेगा। अब हमको क्या हटाना है, ये सब में आईडी दिख रहा है, ये हटाना है, तो इसके लिए हम अपने टेबल में जाएंगे, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, उसको इनपुट टाइप अगर हिडन कर देंगे तो ये छुप जाएगा, मतलब ये यहाँ नहीं दिखेगा, देखो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग हिडन कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना एडिट का काम करेंगे। एडिट का काम करने के लिए हमको, जैसे एक्शन का पेज बनाए थे, यहाँ देखो इंसर्ट का पेज बनाया है, एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग बनाएंगे दूसरा पेज। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज डॉट जेएस पर क्लिक करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे एडिट, उसके अंदर में डायनेमिक आईडी के लिए आईडी और उसके पेज डॉट जेएस, बहुत इजी है, ये हो गया, ठीक है। अब ये पेज डॉट जेएस इंसर्ट की तरह ही पेज डॉट जेएस यहाँ पे बना लेना, इसको जेएसएस कर देते हैं ताकि इसमें हम आराम से एचटीएमएल कर सकें, और लगभग ये चीज़ें सेम है, तो इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट हुआ है वो लाइन को हमको दोबारा से इंपोर्ट करना चाहिए। एक और बात कह देते हैं कि ये अपडेट के लिए फॉर्म है, तो अपडेट यहाँ पे ट्रू डाल देते हैं, ये प्रॉप्स है जिससे ये फॉर्म अपडेट के लिए कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये ट्रू हम डाल दिए, कह दिया कि अपडेट प्रॉप्स है जिसमें ट्रू रहने पर ये फॉर्म अपडेट के तौर पर काम करेगा और नहीं रहने पर इंसर्ट के लिए काम करेगा। यही फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म में, यहाँ पर इस फॉर्म में सबसे पहले तो हम ये इस जगह पे उस प्रॉप्स को ले लेते हैं जिसका नाम अपडेट रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाते रहेंगे हर जगह, कहाँ पे है ना अपडेट का काम करना है, कहाँ पे इंसर्ट का काम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन के पास आएंगे और यहाँ पर ऐड, जैसे यहाँ पर ऐड स्टूडेंट है वैसे एक और बना लेंगे, उसका नाम अपडेट स्टूडेंट कर देंगे, क्या नाम रखेंगे, अपडेट स्टूडेंट। तो ये एक्शन नया बन गया है, बस इसमें क्रिएट की जगह होगा फाइंड बाय आईडी और अपडेट एंड अपडेट, ये फंक्शन है, तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला पैरामीटर आपको रखना होगा फाइंड करने के लिए, तो फाइंड क्या करना है भैया, अंडरस्कोर आईडी, फाइंड बाय आईडी तो सिंपल है, आईडी से ही फाइंड होता है,
तो यहाँ पे एक पैरामीटर आईडी का पास करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस सिंपल लेट, देखो लेट, और उसके बाद लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू फॉर्म डेटा में ही रख लेंगे, फॉर्म डेटा डॉट गेट, क्या नाम होगा उसका, आईडी नाम रखेंगे, अभी रखा नहीं है, रखेंगे आईडी वेरिएबल यहाँ डाल देते हैं, ये आईडी से मैच करेगा और ये सबको अपडेट कर देगा, सिंपल है। तो ये मेरा यहाँ पर काम हो गया, अपडेट स्टूडेंट नाम है इसका। एडिट के पेज में जब हम आएंगे अपडेट ट्रू मिलता है, फॉर्म में जब हम लोग आएंगे तो अपडेट अगर ट्रू रहा, तो ये कंटेनरी में डाल देते कंडीशन कि अगर अपडेट ट्रू रहा तो फिर एक्शन काम करेगा अपडेट स्टूडेंट वाला, ये वाला, और अगर ऐसा नहीं रहा तो ऐड स्टूडेंट वाला, हो गया। तो अपडेट रहने पर ये स्थिति या नहीं रहने पर ये स्थिति, ये फंक्शन चेंज कर लिया। अब जैसे अपडेट रहेगा तो सब जगह पे हमको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, राइट। तो हम कॉलिंग करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, एडिट पेज का इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉप्स के तौर पे यहाँ पास करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट कॉलिंग रिकॉर्ड फॉर, वेरिएबल का नाम में ही सब कुछ डाल देते हैं, फॉर अपडेट, अपडेट की वजह से हम डेटा कॉल कर रहे हैं, इसको असिंक कर लेते हैं, ASYNC, और हम सब जानते हैं कि डायनेमिक आईडी चाहिए तो प्रॉम्प्ट्स डालना पड़ता है, ठीक है। और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट, और ये डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं आईडी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट्स, ये हम इसको चेक कर लेंगे प्रॉम्प्ट्स में डेटा है या नहीं, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे और लिखेंगे मॉडल का नाम स्टूडेंट, आई थिंक स्टूडेंट का नाम था स्टूडेंट्स, हाँ ये है ना, स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। अब आईडी का नाम यहाँ पेंशन कर देंगे, जिसके बाद हमको वो डेटा मिल जाएगा, और डेटा मिलने के बाद हम इस वेरिएबल, इस डेटा को एक बार कंसोल कर लेते हैं, या फिर क्या है इसमें, कंसोल डॉट लॉग, और इसको प्रिंट करते हैं। तो हम एडिट के पेज में जाएंगे तभी यह पॉसिबल है। एडिट के पेज में जाने के लिए हमको बटन बनाना पड़ेगा, टेबल के पास यहाँ पे एक बनाते हैं लिंक से, LINK लिंक, ये नेविगेशन वाला लिंक, देखो HREF, और यहाँ लिखेंगे स्लैश एडिट स्लैश, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो हम इसको बैकटिक लगा देते हैं ताकि इसमें वेरिएबल डाल सके। अब बैकटिक कहाँ काम करेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, एकदम ईजी है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का सॉरी डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ डाल देंगे वैल्यू डॉट अंडरस्कोर आईडी, चला गया। अब हम इस बटन के ऊपर लिखेंगे एडिट, थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन देने के लिए क्लास नेम, क्लास नेम, और ये BG- ग्रीन, ग्रीन नहीं ब्लू डाल दो, ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट, ओवर करने पर BG blue 700, PX3, PY2, थोड़ा सा राउंड है, दैट्स इट। तो हमारा जो लिंक है वो कंप्लीट तैयार हो गया। इसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, देखो आउटपुट यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे एडिट बटन दिख रहा है हमको, हम इस पर जब क्लिक करें तो ये हमको फॉर्म का पेज खोल के दे, देखो फॉर्म का पेज खोल के दिया, ऊपर में आईडी भी दे रहा है, सही है। अब मेरे कंसोल में प्रिंट आउट आना चाहिए, देखो कंसोल में प्रिंट आउट आ रहा है क्या, मैच करके एकदम आ रहा है, तो ये भी एकदम सही काम कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक चीज़ और देखो ऐश्वर्या, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखें, एक्शन सर्वर एक्शन में वैल्यू नहीं लगता, ठीक है। नॉर्मली हम लोग लगाते हैं वैल्यू, और वैल्यू लगा के डेटा डालते हैं, इसमें हम वैल्यू की जगह लिखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू की जगह डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अपने पास कोई डेटा तो पास किया नहीं प्रॉप से, हम दिखाते हैं कहाँ पे, एडिट पेज में यहाँ तो हम लोग कॉलिंग कर लिए, चेक कर लिए, हाँ है, इसको हटा देते हैं, चेक हो गया है, इसमें पास कर देंगे, नाम रखेंगे डाटा, पास कर लिए, ये चला गया कहाँ, फॉर्म में, फॉर्म के पास आ गया, फॉर्म के पास एक्सेप्ट करेंगे डाटा नाम से, कर लिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिखेंगे डाटा डॉट नेम, हो गया, तो हम लोग का डेटा इसमें फिल हो गया, देखो कंप्लीट। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट में क्या लिखेंगे, वैल्यू नहीं, अब क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू डाटा डॉट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी डिफॉल्ट, एकदम फ्रेश बात हो गया, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू और डाटा डॉट ईमेल, और यहाँ डिफॉल्ट
ऑप्शन डिफॉल्ट वैल्यू डाटा डॉट सिटी। तो तुम नोटिस करोगे कि सब में वैल्यू फिल हो गया है ना। अब हम पीछे आते हैं और दूसरा कोई कॉल क्लिक करके आते हैं, कोई दूसरा वैल्यू देखो इसमें इसमें टेस्टिंग लिखा हुआ है, ये वाला भी क्लिक कर ले। देखो टेस्टिंग आ गया, सिटी पटना था, पटना डायनेमिक हो गया, तो ये डेटा अकॉर्डिंगली मेरा आ गया। बट हमको एक चीज़ चेक करना है, इंसर्ट में मेरा क्या एरर है। देखो इसमें बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू रीडेबल ही नहीं, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो क्या करना है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू हो ही ना तो क्या करना है, तो आपको यही फॉर्म में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होने पे क्या देना है ये डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए अगर नहीं हो तो आपको ये समझ, ये फॉर्म का शायद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन डाटा चूंकि पास ही नहीं होगा वहाँ पे क्या करेंगे, ये डाल देंगे। पता नहीं, इसको हम कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, तो अगर कोई एरर आता है तो हम लोग से बचने का कुछ करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर गड़बड़ हो गया, अच्छा गुजर ब्रैकेट लग गया। देखो फॉर्म तो काम कर गया, अब इंसर्ट हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुमार लगा के चेक करते हैं। अगर इंसर्ट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मतलब अभी हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। देखो रिफ्रेश भी हुआ, ठीक है ठीक है, यानी ये नॉर्मल इंसर्ट हो रहा है। एडिट में चेक करें, एडिट में डेटा भी आ रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये नलिश वैल्यू क्या करता है कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो एरर नहीं देगा, है ना। हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट राइट, आगे को डॉट को रीड ही नहीं करेगा। हाँ तो जावास्क्रिप्ट का बेहतरीन तरीका है ये तरीके से हम लोग इसको बचा सकते हैं, एरर नहीं आने से बचा सकते हैं। अब हम लोग बस क्या मैटर है कि अपडेट स्टूडेंट के पास ये सब नाम जाएगा है ना, ये सब नाम है जैसे इंसर्ट में जाता है वैसे जाएगा। और सबमिट बटन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड की जगह अपडेट रिकॉर्ड अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे बैक कर्ली ब्रैकेट लिखा, बोला कि अपडेट अगर रहा तो फिर अपडेट लिख किया है, नहीं तो क्रिएट लिख कर है, हो गया काम। तो देखो ये अपडेट रिकॉर्ड लिखा हुआ है अपडेट के केस में, जब इंसर्ट करेंगे तो क्रिएट रिकॉर्ड लिखा, मतलब फॉर्म एक ही और डिज़ाइन अलग अलग हो गया, क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं एकदम आखिरी काम क्या है कि अपडेट स्टूडेंट आपका होना चाहिए। अपडेट स्टूडेंट के लिए हम एक्शन में काम किए हैं, देखो, और इंसर्ट ये डेटा सब उठाएगा, इसमें एक आईडी ऐड करना है, ध्यान रखिएगा ये आईडी भी हमको इनवैलिड बताएगा। एडिट के केस में हमको आईडी स्टोर करना होगा, तो हम फॉर्म में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्म में जाने के बाद हम एक छोटा सा काम करेंगे, कहेंगे देखो इसके कई तरीके हैं, मतलब एक हज़ार तरीका हो सकता है, कोई मैटर वाली बात नहीं, 1000 तरीका हो सकता है। कैसे 1000 तरीका हो सकता है बताते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपके पास आईडी तो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रॉप से डेटा उठा सकते हैं, प्रॉप से भी उठा सकते हैं। देखिए अगर हम इनपुट टाइप बना के डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे अगर अपडेट है तो एंड लगा देते हैं, एक ही स्थिति, अगर अपडेट है तो क्या करना है, तो एक इनपुट टाइप बनाओ, इनपुट टैग बनाया, इसमें इनपुट टाइप अभी फिलहाल के लिए हम टेक्स्ट लिख देते हैं, बाद में हिडन कर देंगे इसको। उसका नाम क्या रखो, तो आईडी रखो, और उसमें वैल्यू क्या रखो, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखो, तो डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी रखो। ठीक बात है, रख दिया। देखो अब मेरे है ना ये वाला जो इनपुट टाइप है, सॉरी यहाँ कर्ली ब्रैकेट छूट रहा, ये वाला जो इनपुट टाइप है ये हमको अपडेट के केस में नजर आएगा, इंसर्ट में नजर नहीं आएगा। देखो इंसर्ट में है कोई एक्स्ट्रा इनपुट टाइप नहीं है, लेकिन जब हम एडिट में जाएंगे तो वो नजर आएगा, देखो आ रहा नजर है ना, यानी एडिट में आईडी स्टोर हो गया। ये हम कंडीशन में लगा दिए कि अपडेट जब ट्रू हो तभी ये काम करिए, मतलब जब फॉल्स वगैरह काम नहीं करेगा। तो हम एकदम स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम कर दिया। तो ये नाम है आईडी का, इसका नाम क्या है, आईडी है, तो हम अपने एक्शन में इसको आईडी के तौर पे ले लिया और उससे अपडेट करा दिया, ठीक है। अब उससे अपडेट हम जब करा रहे हैं तो एक बात और सुनो, जब उसे अपडेट करा रहे हैं तो ये पब्लिक को दिखना चाहिए क्या, नहीं, छुपा दो, हिडन, छुप गया, देखो एकदम नहीं काम करेगा। तो हम टेस्टिंग की जगह लिख देते हैं शिवम कुमार गुप्ता भोपाल, कुछ कुछ चीज़ें चेंज करके देखते हैं। ईमेल आईडी शिवम, और मोबाइल नंबर में ईआईपी नंबर डाल देते हैं।
रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ नहीं वाला एक बार और। वो डेटे गायब हो गया ना, जो अपडेट हम किए अपडेट एक्शन में गया होगा, उसके बाद ये एक्शन में आया होगा, यहाँ से सब डेटा ओ फाइंड योर आईडी और डिलीट लिखा गया, इसलिए डेटा डिलीट हो गया एंड अपडेट। अब निको शान अली कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ चेंज करें ताकि हम लोग देख सके कि सब कुछ हो रहा है कि चेंज नहीं। भोपाल थैंक यू, हो गया रिफ्रेश भी हो गया, काम भी हो गया, क्या बात है, हमारा एडिट कंप्लीट। अब ये बटन अच्छा नहीं दिख रहा, लग रहा है ऐसे कि जगह ही कम है एक दूसरे के पास हो गया, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे टेबल है और इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्लिक्स, ठीक है, और इसका लिखते हैं गैप, ठीक है, ठीक है, फ्लिक्स बॉक्स का इस्तेमाल करके हमने ऐसा कर दिया, परफेक्ट काम कर रहा है। अब इस तरीके से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के लिए तो ऊपर में लिखा हुआ देखो इंसर्ट स्टोन रिकॉर्ड, और हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिया था इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ पे इंसर्ट की जगह अपडेट, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट दिखाते हैं, कॉलिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर अपडेट डॉट नेम एपोस्ट्रॉफी एस, और यहाँ रिकॉर्ड लिखा रिकॉर्ड। ये इंटरेस्टिंग चीज है, सादिक हुसैन रिकॉर्ड, ठीक है। अब जिस पे क्लिक करेंगे उसका रिकॉर्ड, जैसे देखो शान अली है, अपडेट शान अली रिकॉर्ड, तो टाइटल डायनेमिक हो गया। क्यों डायनेमिक हो गया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा था फिल्टर करके, उसी को लगा दिया हमने, तो उसका नाम आएगा, तो एकदम लगेगा कि अरे वाह एकदम ध्यान दिया मेरे पर। देखो अपडेट एफ डी एफ सी एफ सी, तो इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पूजा लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो इस बार इस मैटर मत लेना, इसको रीवैलिडेट करना सीखेंगे तो क्या होगा, ये पेज को दोबारा क्वेरी चलाएगा और वो क्वेरी चला के जो डेटा अपडेटेड डेटा आएगा वो आएगा, रिडायरेक्ट तो आपने सीख लिया तो मैटर नहीं। अब देखो अपडेट पूजा रिकॉर्ड है ना, एकदम वंडरफुल वे में हम लोगों ने इसका आपको कम्प्लीट किया। तो यहाँ तक हम लोग अभी छोड़ देते हैं, आप लोग इसको आगे कवर कीजिए, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं।